बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह ताला के फजल से बिल्कुल ठीक हूँ। और ये लाहौर में बारिश का मैं जो आपको दिखा रही हूँ सीन, ये हमारे आने से एक दिन पहले बारिश हुई थी और जब हम लोग पाकिस्तान आए थे तो हमारे आने के एक दो दिन बाद भी बारिश हुई थी और फिर बाद में फॉग वगैरह भी होती रही, तो हमारे जाने से पहले भी बारिश होगी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और रात को पता चल गया था कि सुबह बारिश होगी, तो अबू ने कहा था कि तुम लोग ज़रा जल्दी उठना और ताकि तुम लोग अच्छी तरह से पैकिंग कर सको, क्योंकि ज़रा ठंडा ठंडा वेदर हो तो ज़रा आराम से सारे काम हो जाते हैं। तो मैंने सोचा था मैं सुबह ज़रा जल्दी उठ के अबू के साथ ब्रेकफास्ट करूँगी, तो लेकिन फिर अबू तो क्योंकि जल्दी कर लेते हैं तो फिर मैंने सोचा चलो अबू के रूम में बैठ के ही नाश्ता कर ले। और वेदर बहुत अच्छा हो रहा था तो मैंने सोचा कि चलो एक दफ़ा मैं ऊपर भी जाके छत पे सारा मैं देख लूँ, चेक कर लूँ और साथ साथ मैं वीडियो भी बना लूँगी। और जो रूम वगैरह ऊपर है, मैंने वहाँ पे एक दिन पहले सारा सामान वगैरह कुछ था जो भी था मैंने पैक किया था, तो मैंने कहा चलो मैं वो भी एक दफ़ा दोबारा से देख लूँगी। और वीडियो भी मुझे ज़ाहिर बनानी होती है यूट्यूब के लिए भी और वैसे भी बच्चों को भी दिखाने के लिए। ये जो आप देख रहे हैं ऊपर इस जगह पे, जब मेरे बच्चे छोटे थे तो यहाँ पे झूला लगा हुआ था, इस साइड पे सिर्फ तीन चार घर थे, तो बहुत टाइम तक ये मतलब ज़रा कम कम ही घर रहे यहाँ पे, तो यहाँ पे झूला लगा होता था बच्चों का, तो बहुत दूर से मतलब बहुत दूर से हम जो भी रिलेटिव आते थे तो उनको घर की निशानी बताने के लिए तो यहाँ पे बताया करते थे कि झूला नज़र आएगा दूर से, तो वाकई दूर से बहुत दूर से झूला नज़र आया करता था, तो ईज़िली सब पहुँच जाते थे। और ये जो मैंगो का पेड़ है ये फ्रंट यार्ड पे है, बिल्कुल सामने एंटर हो तो ये मेरा जो सेकंड नंबर वाला बेटा है उसने लगाया था, बहुत छोटा सा था तो मैंगो खाने के बाद उसके पास घुटली थी तो मम्मी कहने लगी चलो आओ लगाते हैं, तो यहाँ पे फिर वो ये लगाया था, तो इस पे माशाल्लाह काफ़ी अच्छे आम लगते हैं। और अक्सर वो जब गर्मियों में ज़्यादा हम तो इतना नहीं आते इस तरह, तो वो पूछा करते हैं अब उसे, तो हम लोग मैं उसे ये पिक्चर्स वगैरह अक्सर ये यहाँ पे अब आई हूँ तो मैं वीडियोस वगैरह और पिक्चर्स वगैरह मैं उसको खींच के भेजती थी और मैं बताया था कि ये तुम्हारे वाला जो तुमने लगाया था आम का पेड़ उसमें बहुत ज़्यादा आम लगे हुए हैं। तो खैर मैं ये साथ साथ वीडियो बना रही थी और मैं सोच रही थी कि इस बार तो हमारी किस्मत में ही नहीं हुए आम खाने, क्योंकि जब हम कनाडा में होते हैं तो हम सोचते हैं कि हम जब भी कभी समर में जाएंगे तो हम खूब सारे मैंगो खाएंगे, तो खैर बाज़ार से तो हमने ला के खाए लेकिन घर वाले जो थे वो भी इतने पके भी नहीं थे, थोड़े बहुत मेरे अबू ने उतार के तो उनको लपेट के रखा था कुछ दिन के लिए और वो फिर पक गए और खैर हमने वो खा लिए और मीठे थे, मज़े के थे। तो ये वाला जो बैकयार्ड में पेड़ लगा हुआ है ये मेरी अम्मी ने लगाया था और इस पर इतने अच्छे मज़े मज़े के आम लगते हैं, काफ़ी बड़े बड़े भी होते हैं, लेकिन इस बार भी ये इस पर कम लगे हैं आम, ये तीन चार साल बाद ऐसे होता है कि थोड़े से कम लगते हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ज़्यादा लगेंगे। तो मैं यहाँ पर आई थी बैकयार्ड पर, मैंने कहा चलो मैं देख लेती हूँ, कपड़े वगैरह वॉश करवाए थे वो मैंने उठाए और उसको रखा और ये कुछ बेड शीट्स और सोफा कवर्स वगैरह थे तो इनको भी समेटना था। और यहाँ पे ये मेरी बेटी ने कुछ मास्क वगैरह निकाल के रखे थे कि यूज़ कर लें, तो मैंने कहा तुम कर लो मैं बाद में जब टाइम मिलेगा तो कर लूँगी, लेकिन बाद में मैं इतनी ज़्यादा बिजी हो गई थी और फिर मैं इस कदर टाइट हो गई थी कि बिल्कुल मुझे हिम्मत ही नहीं पड़ी कि मैं कुछ भी करूँ, और ये सैलून वगैरह जाने का तो खैर सीन ही नहीं था बिल्कुल भी, तो खैर मैं कुछ यूज़ भी नहीं कर सकी, तो काम ही इतने छोटे छोटे से निकल आते हैं। ज़ाहिर पैकिंग तो वैसे हो चुकी थी ऑलमोस्ट, थोड़ा थोड़ा काम रह गया था और बाकी ये था कबर्स वगैरह साफ़ की थी, उनमें से सामान निकाला तो ज़रा छोटा छोटा सा जो भी था वो ऑर्गेनाइज़ करने वाला था, तो इस तरह छोटे छोटे काम करते हुए हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहे। और बाकी जो सूट केसेस वगैरह थे वो तो ऑलरेडी पैक थे, क्योंकि ज़ाहिर है पहले हमारे आने का इतनी दफ़ा हुआ है कि हमने कब से आना था तो वो पैक रखे हुए थे, लेकिन जो वक्त के साथ साथ ज़ाहिर है हम वहाँ पे रह रहे थे तो फिर हमें जो जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो निकालनी पड़ी, तो बस वो थोड़ी सी चीज़ें थी वो रखी हमने एक दिन पहले सब कुछ, और दो दो वेइंग मशीन से हमने उनका वेट किया और ताकि किसी किस्म का डाउट ना रहे, क्योंकि बच्चों को था कि हम कम ही सामान रखें, 28 kg से कम हो, तो हमारा 27 या 26.5 था, इतना ही था बस। तो और जो हैंड कैरीज वगैरह थे वो बस मैंने पैक कर लिए थे, वो भी उसमें भी काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो मैंने पहले से रखी हुई थी, मतलब तीनों जो हैंड कैरीज थे मेरा और बच्चों का उसमें मैंने सेपरेट सेपरेट मेडिसिन वगैरह और ग्लव्स और इस तरह की चीज़ें मास्क वगैरह पहले ही रखे हुए थे, बाकी चीज़ें भी हमने रख ली साथ साथ।
और डिनर में हमने मटन पुलाव खाया था, अबू ने बनवाया था हमारे लिए कि ट्रैवल से पहले बस थोड़ा सा कुछ लाइट सा ही कुछ खाना चाहिए। हालांकि बेटे का दिल था कि हम लोग कुछ कबाब ले आएं, कुछ जाते जाते कुछ अच्छा सा खा लें, तो लेकिन फिर अबू ने भी कहा और मैंने भी कहा कि नहीं, तुम थोड़ा सा सब्र करो और परहेज़ करो। तो और ये मिठाई लेके आया था मेरा बेटा, साथ हमने ज़ाहिर लेके जानी थी, तो फिर मेरे अबू को भी बहुत पसंद है, तो हमने कहा चलो जाते जाते हम भी थोड़ा सा अबू के साथ मिलके ये मिठाई खा लें। मेरे अबू को बहुत ही फेवरेट है मिठाई और गुलाब जामुन वगैरह, तो ज़ाहिर है साथ लेके जाने के लिए भी लेके आया था मेरा बेटा। तो उस दिन तो सारा दिन उसका घर से बाहर ही गुजरा, कभी मेडिसिन लाना है, कभी कोई और चीज़, कभी और चीज़ इस तरह। और फिर रात को खाने के बाद बेटा स्नैक्स लेने जा रहा था करीबी मार्केट से सुबह के लिए, तो मैंने कहा चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, जाते जाते मैं भी लाहौर की सैर कर लूँ, क्योंकि इतने ज़माने से हम लोग घर से बाहर नहीं निकले थे। जब भी कहीं जाना होता है तो मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती, लेकिन मेरी आँख लग गई ऐसी बस बैठे बैठे, तो मैं तकरीबन आधा पौना घंटा ही मैं सोई हूँ, तो बच्चों ने उठा दिया मुझे 2:30 बजे के मामा उठ जाएँ, तो बस उठ के हम लोग रेडी हुए और चाय वगैरह पी, और खाया तो कुछ भी नहीं जा रहा था, लेकिन मुझे क्योंकि मेडिसिन लेनी थी तो इसलिए मैंने थोड़ा बहुत खाया, और दूध में मैंने थोड़ी सी बिल्कुल चाय डाल के पी, क्योंकि मेरा अल्सर का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं दूध में चाय डाल के पी लूँ, क्योंकि प्लेन में तो ज़ाहिर है चाय या कॉफ़ी मिलेगी। तो बहरहाल हम लोग को 8 बजे हमारी फ़्लाइट थी, तो हमारा ये था कि 4 बजे के करीब हम पहुँचेंगे, तो लेकिन वो जो वैन हमने कहा था सामान के लिए वो बंदा थोड़ा सा लेट आया था, तो हम लोग तकरीबन 4:15 के करीब घर से निकले थे। तो बहरहाल बहुत ही अजीब तरह की एक उदासी थी, बहुत ही मेरा दिल उदास था, क्योंकि ज़ाहिर है हम 5 महीने रहे हैं यहाँ पे लाहौर में, तो मेरा दिल बहुत ही उदास हो रहा था, बच्चे भी खैर उदास थे, लेकिन ये कि ज़ाहिर है अबू भी बहुत फील करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है उनके पास भी रौनक लगी हुई थी, और मुझे जाने की खुशी का तो खैर नहीं पता कि खुशी थी या क्या था, बस एक टेंशन ज़रूर थी कि आए रोज़ हमारी टिकट कैंसिल हो जाती है, इस तरह वो टेंशन तो अबू को भी थी ज़ाहिर है, लेकिन बहरहाल उदास मैं बहुत हो रही थी और दिल बहुत ही बुरा हो रहा था आते हुए। तो अबू के पास ज़ाहिर है, वैसे तो उनको ज़ाहिर आदत है वो रहते हैं, लेकिन मेरा भाई आता रहता है वैसे तो हर साल में, तो लेकिन फिर भी 5 महीने हम लोग रहे थे, तो हमारा भी दिल अबू के साथ बहुत लगा हुआ था। तो बहरहाल अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। तो खैर हम खैरियत से पहुंच गए थे एयरपोर्ट, कोई परेशानी नहीं हुई किसी किस्म की, और अब हमारी फ़्लाइट ही जानी थी, तकरीबन कैनेडा की फ़्लाइट ही थी और कुछ भी कोई भी फ़्लाइट नहीं थी, तो इस वजह से इतना रश भी नहीं था। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग वाला सीन तो मुझे कहीं भी नज़र नहीं आया और ना ही टेम्परेचर चेक हुआ, जबकि मेरे हस्बैंड जब अप्रैल में आए थे तो उन्होंने बताया था कि उन्होंने सबके टेम्परेचर चेक किए थे, और सबको ये कहा गया था हम लोगों को भी कि रात को सोने से पहले भी पैनाडॉल खानी है, आने से पहले भी पैनाडॉल खानी है। तो मैंने तो रात को बस टायरेनॉल ली थी, और मेरी बेटी अलबत्त बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थी, क्योंकि लास्ट टाइम जब वो आई थी पाकिस्तान तो उसका टेम्परेचर थोड़ा निकल आया, तो उसको साइड पर खड़ा कर दिया, लेकिन खैर अल्लाह के फजल से वो बिल्कुल ठीक रही। वो तो ज़ाहिर है उसने अचानक आना पड़ा, तो उसको बहुत ज़्यादा थकावट थी और टेंशन थी इस वजह से। तो फिर यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ये गिफ्ट शॉप थी, तो हमने सोचा कि यहाँ से कुछ ले लेते हैं। मेरी बेटी कहने लगी नहीं नहीं आप कुछ ना लें, बैठी रहें यहीं पे, क्योंकि उसका ये था किसी चीज़ को टच ना करें और कहीं ना जाएं। तो मैंने कहा कि हम लोग बिल्कुल घर से नहीं निकले, तो किसी के लिए कुछ लिया भी नहीं है, तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ से छोटे छोटे से गिफ्ट कुछ ले लेते हैं। तो इस शॉप से मैं पहले भी कभी कभी ले लेती हूँ जब मैं आती हूँ। बहरहाल बहुत दुआओं के साथ हम लोग प्लेन में आ गए, और टाइम से ही टेक ऑफ हो गया था, बस थोड़ी सी घबराहट थी इस वजह से कि अल्लाह ताला खैरियत से पहुंचा दे, कोई मसला ना हो, और ज़्यादा जो परेशानी थी वो कोरोना की वजह से थी, कि अल्लाह ताला सबकी हिफाजत करे और अल्लाह ताला सबको ही खैरियत से पहुंचाए। और वैसे तो सब लोगों ने मास्क पहने हुए थे, ग्लव्स पहने हुए थे, और अपनी तरफ से सब ने ही हिफाजत का इंतज़ाम किया हुआ था, और कुछ लोगों ने फेस शील्ड भी पहनी हुई थी, और PIA के स्टाफ ने भी सेफ्टी किट्स पहनी हुई थी, और इस तरह के किट्स कुछ पैसेंजर्स ने भी पहनी हुई थी, और हम लोगों ने भी खुद अपने पास काफ़ी सारे ग्लव्स और मास्क वगैरह रखे हुए थे, और चेंज करते रहे हम लोग भी। तो बहरहाल खाना वाना खा के हमारा ख्याल था कि हम लोग सो जाएंगे, लेकिन नींद नहीं आ रही थी, तो बस फिर हम बेटी ने कुछ मूवीज़ डाउनलोड की थी, तो मैंने सोचा कि चलो मूवीज़ ही देख लेती हूँ। तो ये मैंने मूवी देखी थी, ये तो मैंने खैर सोते जागते देखी थी, और एक मेरी बहुत ही फेवरेट मूवी है लाहौरी, वो मैंने देखी। बच्चे तो कुछ सो गए थे थोड़ा बहुत, लेकिन मुझे बेशक मैं बहुत थकी हुई थी लेकिन नींद ही नहीं आ रही थी। 24 घंटे हालांकि हम लोग जागे थे,
और हमारी वजह से अब वो भी बेचारे नहीं सो पाए थे क्योंकि उनके कभी कभी जलन होती है पाँव में, तो वो फिर मेडिसिन लेते हैं, तो वो मेडिसिन नहीं ले रहे थे कि उससे नींद आ जाएगी, तो ये ना हो कि मुझे भी नींद आ जाए और ये लोग भी कहीं गलती से सो जाएं, तो ये ना हो कि इनकी फ़्लाइट मिस हो जाए, तो बस वो भी बेचारे जागते रहे। बहरहाल हमारा सफ़र खैरियत से गुजरा और हम खैरियत से पहुंच गए। तो बस यहाँ पे टोरंटो आके थोड़ा सा ये मसला हुआ कि हमारे एक रिलेटिव हैं वो भी हमारे साथ थे, तो उनका यहाँ पे आके एक कुछ मसला बन गया कस्टम का, तो थोड़ा सा फिर हमें उनके लिए वेट करना पड़ा। तो वो फिर कभी शेयर करूँगी मैं आपसे, और इसके अलावा भी बहुत सी बातें शेयर करने वाली, तो इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगी। तो बहुत मेहनत से मैंने ये वीडियो बनाई है, मुझे बताएँ कैसी लगी आपको। दुआओं में याद रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।